अस्सलाम वालेकुम। चाचू ये आपने थोड़ा इस कला के बारे में बताएं कि आप कैसे करते हैं ये? ये जो ना इसका नक्शे का बुक होता है ना, ये सब तो पहले जो है कपड़े पे डिज़ाइन नक्शा बनाना होता है जी। चादर, म्याणा, रुमाल, टुवाल, जो भी चीज़ बनाना हो ना, इसमें काफ़ी डिज़ाइन होते हैं, ये पूरा सेट बना होता है। ये कागज़ को खोलना होता है, कपड़े पे रखना होता है, ये ऐसे, ये गुल्ली घासलेट दो चीज़ें मिलाना है प्याले के अंदर, गुल्ली रंग और घासलेट। गुल्ली और घासलेट है? गुल्ली घासलेट। ये कपान लेके कागज़ पे ऐसे मालिश करना होता है। कोई कार्बन फिलसन कलम का ज़रूरत नहीं, पढ़े लिखे मानों की ज़रूरत नहीं। सही। हज़ारों डिज़ाइन बनाए, ये कागज़ ख़त्म नहीं होता है माशाल्लाह। ये घर में बच्चियाँ काम करती हैं, सिलाई सिकुल का काम है, बाद में कपड़ा लेके कागज़ को साफ कर देना है, ये कागज़ फिर काम आएगा, ख़त्म नहीं होएगा। सही। अब ये नक्शा लग गया? नक्शा लग गया बिल्कुल। तो कपड़े पे फ्रेम लगाना होते हैं, फ्रेम लगाएंगे, ये इसका असल सेट होता है और इस सेट को ये बनता है, फूल इसका डबल तैयार होएगा। सही। ये इसका छोटा सा मशीन होता है ना, इसके अंदर आप कोई भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, रेशम, सूती, पशम। सही। ये डबल धागा होते हैं। सही। काम बिल्कुल आसान है, टोटल 5-10 मिनट सुई चलाओ, हाथ टिक जाते हैं। सही। सब तो पहले जो है ये तार के अंदर धागा रखना है, तार को बराबर करके यहाँ से लगाएं, एक बार धागा सीधा बाहर आएगा, दोबारा सामने इसका डबल नक्का बना हुआ है, जैसे सिलाई का सुई होता है, ये अंदर से धागा बाहर आएगा। सही। अब ये तार का काम ख़त्म है, तार को निकाल देने हैं, धागे को वापस लाएँ, थोड़ा सा धागा छोड़ लें। सही। जब इसको चलाना है तो ये तितली वाला साइड आगे होना चाहिए, क्यों, ये इसका मुंह है। सही। नक्शा लगाएंगे, नक्शे के ऊपर चलना होता है। सही। ये सीधा साइड है, इस साइड को बनता है, इस साइड पे बनता है। हाँ। तो यहाँ से जब शुरू करना है सिलाई को कपड़े में, हाँ, पूरा बैठना चाहिए। सही। पूरा सिलाई को बैर उठाएं, फुल सिलाई कपड़े के अंदर रखें, ये नक्शे के ऊपर चला, ये नक्शे के ऊपर ऐसे चलना है। सही। अब ये धागा जो है ये आज़ाद होएगा, ढीला होएगा, धागा खुद चलता रहेगा। सही। और कलर हम अपने हिसाब से, कलर अपनी मर्जी से लगाना है, जैसे भी कलर बनाना हो। सही। डिज़ाइन भी अपनी मर्जी से बनाओ, लिखाई करो, फूल बनाओ, चादर, तकिया, जा नमाज, सिंदरी, फ्रेम, कोई चीज़ बनाना हो। सही। जैसा कपड़े पे आप नक्शा लगाएंगे, सही, ऐसा ये बनता जाएगा, ऐसा ही बनता जाएगा। ये इसका सादा सेट बनेगा, असल सेट इधर बनेगा माशाल्लाह। तो नीचे कोई धागा नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना है, ऑटोमेटिक जो है ये डबल डबल धागा छोड़ेगी। सही। एक जैसा बराबर, हाँ बिल्कुल हो रहा है नीचे से, असल चीज़ इधर नीचे बनते हैं। ये जो डबल डबल धागा जमा हो रहे हैं, ये बाद में कैंची से कट जाता है। ठीक है। इसको जब काटेंगे तो ये फोम का डिज़ाइन तैयार होएगा। ठीक है। ख़त्म करना हो सिलाई को, थोड़ा कपड़े से बाहर निकालेंगे और ये नज़दीक से धागा काट देंगे। सही। ये इसका एक आम सादा सेट बनेगा, इधर धागा डबल डबल जमा हो जाता है। सही। तो ये कैंची से काटना है एक जैसा बराबर सफाई के साथ। सही। जब कटेगा आपका खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, साथ साथ बना के साथ साथ इसका सफाई करना होगा माशाल्लाह। तो ये जो आपने ये झंडा बनाए हो जी, ये असल चीज़ बनेगा ये वाला माशाल्लाह, या अल्लाह। सही। कोई भी डिज़ाइन बनाना हो, ये जितना भी डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये सब इसी तरीके से बना है, पहले नक्शा कपड़े पे होएगा, हाँ, नक्शे के ऊपर चलना होता है। ये नक्शा इसमें आपको कौन कौन से मौजूद हैं आपके पास? इसमें कमीज़ों के डिज़ाइन होते हैं, चादरों के, तकियों के, फूलों वाले, मोर पक्षियों वाले, परिंदों वाले, हर किस्म के डिज़ाइन होते हैं। अच्छा, हर किस्म की है? हर किस्म के डिज़ाइन होते हैं। ठीक है। वो तरह ये जो सेट बना हुआ है ना जी, जी ये सेट के अंदर दो किताब होता है जी, एक फूल वाला, एक पक्षियों वाला। सही। यानी कि इसके अंदर मुकम्मल सारे डिज़ाइन आ जाते हैं, आ जाते हैं। ये धागा, गुल्ली का पैकेट, ये घासलेट में मिला के नक्शा लगाने के लिए, ये इसका मशीन है, ये धागा है, ये फ्रेम है कपड़े को पकड़ने के लिए। सही। ये पूरा सेट होता है 250 रुपये का। 250 रुपये का जी। तो ये आपसे कोई अगर लेना चाहे तो मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कोई आपसे रब्ता कर सकता है? बेशक, नंबर लिखो। अच्छा चलो, अगर नंबर है हमारा 0301
0301 2055 688 2055 688। और आप ज़्यादातर कहाँ होते हैं? मोहम्मद मुख्तियार नाम है मेरा, कशीदा गारी वाला जी, और हम इधर रहते हैं गाली रोड पे हैदराबाद, हैदराबाद में। और अगर आपसे कहीं भी पूरे पाकिस्तान से कोई रब्ता करे तो आप उसे दे सकते हैं, भेज भी सकते हैं किसी तरीके से? नहीं भेज नहीं सकते, नहीं भेज सकते, नहीं गाड़ी वगैरह के तौर अगर वो आपको पैसे भेजे? हाँ वैसे भेज देंगे, एड्रेस बता देंगे। अच्छा, ना तो एड्रेस पे भेज देंगे। सही, चले जो चाचू आपकी माशाल्लाह बहुत हमें कलाकारी पसंद आई, माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन है, इंशाल्लाह तो बेहतरीन चीज़ है, हुनर है, फन है। और ये किसी को गिफ्ट भी दिया जा सकता है? हाँ जिसको, हाँ चले जी, हर चीज़ बनता है, कोई चीज़ बनाओ। दोस्तों आपने देखा यहाँ पर माशाल्लाह चाचू की कलाकारी, उससे हमने कॉन्टेक्ट नंबर भी लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने बेहतरीन उन्होंने बनाए हुए हैं, यहाँ पर हॉर्सेस बने हुए हैं, लव बना हुआ है, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्लैग बना हुआ है, और ये आपके बिल्कुल सामने।